हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो गाइज, आज है आपका फिशरीज का सेशन, देखेंगे फिशरीज के कुछ क्वेश्चंस। तो आइए फटाफट से क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेट बिल्कुल नहीं करते हैं, ठीक है? चलिए सो आगे बढ़ते हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ वो बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे सेट करें, ताकि आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन ना टाइम पे मिल जाए। ओके, एंड आफ्टर दैट या डू लाइक एंड शेयर द सेशन, ठीक है? सेशन अच्छा लगे तो फिर लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, द एडल्ट रोहू इज अ हर्बीवरस डैश। देखिए, जो आपका एडल्ट रोहू होता है, पहली बात तो वो हर्बीवरस है, ना कार्निवरस ना ओमनीवरस है, ठीक है? लेकिन अगर उसके फीडिंग हैबिट के बारे में बात करें तो वो किस तरह का फीडर है? वो एक कॉलम फीडर है, वो एक सर्फेस फीडर है, मतलब पानी के सर्फेस पे रहता है। वो एक डीप वाटर फीडर है, मतलब डीप वाटर में जाके खाना खाता है, या पूरा बॉटम में रहता है पानी के, वहां पर अपना खाना खाता है, या फिर नन ऑफ द अबव। क्होगा यहां पर ऑप्शन, क्या होगा सही आंसर? वेरी गुड मॉर्निंग सुमिति, वेलकम टू द सेशन। द एडल्ट रोहू इज ए हर्बीवरस डैश। देखो, अगर मैं एडल्ट रोहू की बात करूं तो ये एक कॉलम फीडर है। क्या है? ये एक कॉलम फीडर है। अच्छा, रोहू की अगर बात करेंगे, रोहू कुछ इस तरह का दिखता है। रोहू, रुई और रोहो लैबियो इज अ स्पीसीज ऑफ फिश ऑफ द कार्प फैमिली फाउंड इन रिवर्स इन साउथ एशिया। इट इज अ लार्ज ओमनीवर एंड एक्सटेंसिवली यूज इन एक्वाकल्चर। ठीक है, जब ये बड़ा हो जाता है तो भाई साहब ये एक हर्बीवरस बन जाता है। ठीक है, फैमिली ऑफ कैटफिश इज डैश। कैटफिश जो है उनकी फैमिली ये ना बिल्ली की तरह दिखते हैं। ठीक है, मतलब बिल्ली की तरह पूंछ नहीं होते हैं, बिल्ली की तरह इनकी शक्ल होती है। ठीक है, तो ये जो फैमिली ऑफ कैट, बड़े बड़े इनके ऐसे जो बिल्ली के जैसे मुस्टैच होते हैं ना, ठीक है, तो उसी तरह इनके भी बहुत बड़े बड़े मुस्टैच जैसे होते हैं। फैमिली ऑफ कैटफिश इज डैश। कैटफिश का परिवार क्या है? क्लैरिडे, इक्टालूरिडे, सेटोप्सिडे, ओके, सेटोप्सिडे, नॉट सेटोप्सिडे, मैं हमेशा सेटोप्सिडे बोल देता हूँ, सेटोप्सिडे, ओके, एंड द लास्ट वन इज क्लैनोग्लैनिडे। ठीक है, ग्लैनिडीडे, क्लैनोग्लैनिडीडे, ठीक है, या फिर द लास्ट ई इज कैटलिडी। बताइए क्या होगा आंसर। वेरी गुड मॉर्निंग, अनुज, पिंकी, वेलकम टू द सेशन। क्या होगा? फैमिली ऑफ कैटफिश क्या है? फिशरी है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, 15 क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन अच्छे क्वेश्चन होंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आए और चीजों क्लास इंफॉर्मेटिव बना रहे, ठीक है? सो द राइट आंसर इज लैक्टलूरिडे। ओके, सो कैटफिश, देख रहे हो कैसे इनके मुस्टैच हैं, ठीक है, बिल्ली की तरह, ओके, इसीलिए इनको कैटफिश कहा जाता है। कैटफिश फैमिली लैक्टलूरिडे, मेंबर्स ऑफ द कैटफिश फैमिली लैक्टलूरिडे रेंज फ्रॉम वेरी स्मॉल टू वेरी लार्ज फिश एंड डू नॉट हैव स्केल्स। इनके ना ये बहुत ही स्लिपरी होते हैं, क्योंकि आप इनको पकड़ोगे ना, इनमें स्केल्स नहीं होते हैं, ये बहुत ही स्लिपरी होते हैं, इनका बॉडी जो है इन पे कोई भी स्केल्स नहीं होते हैं। वट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मृगल? मृगल तो आपने सुना ही होगा भाई, मृगल नाम का एक मछली है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? कैटला कैटला, लैक्टलूरस, फुरकेटस, एमिरियोस, मेलस, सिरहिनस, सिरोसस, या नन ऑफ द अबव। साइंटिफिक नेम बहुत रेयर है, लेकिन जो कॉमन फिश के स्पीसीज है ना, कैटला, रोहू, मृगल, सैलमन, इनका ना ट्यूना, इनका ना साइंटिफिक नेम जरा याद रख लीजिएगा। ओके, क्या होगा बताओ? सो अगर साइंटिफिक नेम की बात करूं मृगल की, तो ये है सी एमियूरस मेलस। ओके, द मृगल, एक सेकेंड, सॉरी, ये डी, ओके, सिरहिनस सिरोसस, ओके, सो द मृगल कार्प सिरहिनस सिरोसस ऑल्सो नोन एज द व्हाइट कार्प इज अ स्पीसीज ऑफ रे फिंड फिश इन द कार्प फैमिली। नेटिव टू स्ट्रीम्स एंड रिवर्स इन इंडिया, द ओनली सर्वाइविंग वाइल्ड पॉपुलेशन इज इन द कावेरी रिवर, लीडिंग टू द IUCN रेटिंग एज वल्नरेबल। ओके, विच इज नॉट बिलोंगिंग टू कार्प फैमिली, इनमें से कौन सा है जो कार्प फैमिली को बिलोंग नहीं करता है? कौन सा कार्प परिवार से संबंधित नहीं है? कोई, अमूर, कटला, टार्पोन या शार्क? अरे यार, मैंने आंसर ही दिखा दिया, चलो कोई नहीं। इसका जो आंसर है ना, कार्प फैमिली का, जो कार्प फैमिली को बिलोंग नहीं करता है, वो है टार्पोन।
ओके देखो कुछ ऐसा दिखता है, टार्पोन थोड़ा चमकीला सा होता है। टार्पोन एनी ऑफ द सर्टन मरा, ये एक मैराइन फिश है, रिवर फिश नहीं है, समंदर में पाया जाता है ये। ओके मैराइन फिश ऑफ द फैमिली मेगालोपीडे, ऑर्डर इसका है एलोपी फॉर्म्स, ओके रिलेटेड टू द बोन फिश एंड द लेडी फिश एंड आइडेंटिफाइड बाय इलोंगेटेड लास्ट डॉर्सल फिन। इनका जो डॉर्सल फिन होता है ना, ये थोड़ा सा जनरली जो मछली होते हैं उनसे ज्यादा लंबा होता है, ठीक है। एंड द बोनी थ्रोट प्लेट बिटवीन द साइड्स ऑफ द प्रोट्रूडिंग लोअर जॉ, यहां पर एक जो थ्रोट प्लेट होता है ये यहां पर एक बहुत ही बड़ा बोन होता है उनका, ठीक है। नेक्स्ट, कार्प एंड डैश बिलोंग टू द ऑर्डर साइपरिनिफॉर्म्स, साइपरिनिफॉर्म्स एक ऑर्डर है, तो कार्प और कौन सा मछली है जो इसमें पाए जाते हैं? मिनोज, लोचेस, कैटफिश, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव, आंसर क्या होगा गाइस? कार्प फिश, कार्प एंड डैश बिलोंग टू द ऑर्डर साइपरिनिफॉर्म्स। देखो अगर मैं साइपरिनिफॉर्म्स ऑर्डर के बारे में बात करूंगा तो कार्प एंड मिनोज एंड लोचेस, ठीक है, ये तीनों आते हैं। साइपरिनिफॉर्म्स इज एन ऑर्डर ऑफ रे फिंड फिश, ओके इंक्लूडिंग द कार्प्स, मिनोज, लोचेस एंड इट्स रिलेटिव। साइपरिनिफॉर्म्स इज एन ऑर्डर विद इन द सुपर ऑर्डर ओस्टेरियोफाइसी कंसिस्टिंग ऑफ कार्प लाइक ओस्टेरियोफाइसिन्स, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा होगा फिशरी, ठीक है, इसलिए मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा आपको, 10-15 हर हफ्ते कराऊंगा ताकि थोड़ा, और बहुत ज्यादा आते भी नहीं है तो आप थोड़ा सा एडेप्टेड हो जाओगे, ठीक है। इन रिसर्कुलेशन एक्वाकल्चर सिस्टम द यूज ऑफ बायोफिल्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस डैश, ठीक है। रिसर्कुलेशन एक्वाकल्चर सिस्टम में हम बायोफिल्ट्रेशन का यूज करते हैं क्या चीज को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, मीथेन टॉक्सिसिटी, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोक्साइड, अमोनिया टॉक्सिसिटी, सॉल्ट, नन ऑफ द अबव। पुनर्वर्तन एक्वाकल्चर सिस्टम में बायोफिल्ट्रेशन का उपयोग किस काम करने के लिए आवश्यक होता है, आंसर कमॉन क्या होगा? द राइट आंसर, यहां पर जो सही आंसर होगा दैट इज सी, अमोनिया टॉक्सिसिटी। वंस अमोनिया रीचेस टॉक्सिक लेवल्स, फिश आर इनकैपेबल ऑफ एक्सट्रैक्टिंग नीडेड एनर्जी फ्रॉम देयर फीड। इफ द अमोनिया गेट्स टू अ हाई एनफ क्वांटिटी द फिश विल इवेंचुअली बिकम स्लो, लेथार्जिक एंड इवेंचुअली सकम टू दिस हाई लेवल्स रिजल्टिंग इन पॉसिबल डेथ। रास इज अ टाइप ऑफ डैश, रास क्या है? रास एक डैश का प्रकार है। बायोफिल्टर, आर्टिफिशियल फिश फार्मिंग टैंक, इंटेंसिव फिश प्रोडक्शन पॉन्ड्स, नेट या नन ऑफ द अबव। रास क्या है? व्हाट इज आर ए एस, रास? फिशरी के दिन सबकी बैंड बज जाती है, क्यों? स्टूडेंट्स आर लाइक भाई हम फिशरीज का क्लास ना हैंडल नहीं कर पाएंगे, हम जाएंगे ही नहीं क्लास में, जाएंगे नहीं, गलत आंसर देंगे नहीं, सर गुस्सा होंगे नहीं, है? रास इज अ टाइप ऑफ बायोफिल्टर, ठीक है, एक तरह का बायोफिल्टर है रास। सो इसका फुल फॉर्म है रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम। क्या है? रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम। रास इज अ टेक्नोलॉजी वेयर वाटर इज रिसाइकल्ड एंड रीयूज्ड आफ्टर मैकेनिकल एंड बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन एंड द सस्पेंडेड मैटर आर ऑल्सो रिमूव, ठीक है। तो जो भी सस्पेंडेड मैटर्स है वो भी रिमूव हो जाते हैं ताकि पानी ना क्लीन रहे पूरा। Which is the true description of aquaponics? Aquaponics का सही description क्या है यहाँ पे? Growing plant using RAS, rearing fish using RAS, combining plants and fish in RAS या combining plants and herbs या none of the above? Answer. Which is the true description of aquaponics? Answer guys. So एक्वापोनिक्स के ट्रू डिस्क्रिप्शन की बात करूंगा तो सी, कंबाइनिंग प्लांट्स एंड फिश इन आरएएस इज द राइट आंसर। ये आपको देखो एक एक्वापोनिक्स का सिस्टम है, ठीक है। सो बेसिकली इसको थोड़ा एक स्क्रीनशॉट लेके थोड़ा जूम करके देखिएगा, ठीक है। ये आपका बायोफिल्टर है, ये आपका हाइड्रोपोनिक टैंक है, ठीक है। जो देखो एक्वाकल्चर का मतलब सिर्फ फिशरी नहीं होता है, हाइड्रोपोनिक्स भी आपके एक्वाकल्चर में आ जाएंगे, ठीक है। सो हाइड्रोपोनिक टैंक है, यहाँ पर एक एयर पंप है जो बेसिकली ये पूरा का पूरा बिना सॉइल का ग्रो होता है, पूरा पानी में ग्रो होता है। ये जो बायोफिल्टर है ये हाइड्रोपोनिक टैंक में भी यूज हो रहा है, ये फिश टैंक में भी यूज हो रहा है, ठीक है। फिश टैंक में जो भी सेडिमेंट वगैरह है वो नीचे चले रह जाते हैं ताकि ये प्लांट पानी जो है वो खराब ना हो। दिस इज व्हाट वी कॉल अ बायोफिल्टर, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
विच इज नॉट अ टाइप ऑफ आर ए एस, इनमें से कौन सा आर ए एस का टाइप नहीं है? ओके, एक्वापोनिक एक्वेरियम, बोथ मैराइन एक्वेरियम या नन ऑफ द एवर? आंसर, विच इज नॉट अ टाइप ऑफ आर ए एस, इनमें से कौन सा है जो आर ए एस का एक टाइप नहीं है? देखो, आर ए एस अभी हमने पढ़ा था आर ए एस के बारे में. सो बेसिकली इसमें जो मैराइन एक्वेरियम है वो आर ए एस का टाइप नहीं है, क्योंकि इसको कंट्रोल करना प्रॉपरली मैराइन एक्वेरियम नाम का कुछ होता नहीं है, तो इसको कंट्रोल भी किया नहीं जा सकता है. ठीक है, एक्वापोनिक या जो नॉर्मल एक्वेरियम आपके घर पे है ना, उसमें हम आर ए एस नाम का बायोफिल्टर यूज कर सकते हैं. ओके, अ मैराइन एक्वेरियम इज एन एक्वेरियम दैट कीप्स मैराइन प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ कंटेन्ड एनवायरमेंट. ठीक है, तो मैराइन एक्वेरियम में बायोफिल्टर यूज करना पॉसिबल नहीं है. ओके, विच इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस बाय आर ए एस, इनमें से कौन सा एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसमें आर ए एस को यूज किया जाता है? सैचुरेशन ऑफ एमोनिया इन फ्रेश वाटर, सैचुरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन फ्रेश वाटर, बोथ ए एंड बी, सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन इन फ्रेश वाटर, या बोथ बी एंड डी? क्या होगा? आंसर, विच इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस बाय आर ए एस. देखो, आर ए एस का इंपॉर्टेंट प्रोसेस की अगर बात बताऊं तो डी, सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन इन फ्रेश वाटर. हमें क्या चाहिए? हमें पानी में ऑक्सीजन चाहिए ताकि जो भी एक्वाटिक लाइफ है वो रेस्पायर कर सके. ठीक है, एमोनिया नहीं करना है हमें सैचुरेशन, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं करना है हमें सैचुरेशन, हमें ऑक्सीजन सैचुरेट करना है फ्रेश वाटर में. तो क्वेश्चन देख के ही समझ में आ रहा है, एमोनिया कैसे बता रहे हो यार प्रीति 10A, एमोनिया को क्यों सैचुरेट करोगे आप पानी में, सबसे पहली बात तो. ठीक है, तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. ये बेसिकली मैकेनिज्म दिखा रहा है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है. ऑब्वियसली इसमें से तो क्वेश्चन नहीं आएगा. सो आर ए एस दैट इज अगेन योर रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, सेम डेफिनेशन है जो मैंने एक्सप्लेन किया था. द सेंट्रल मराइन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट वॉज एस्टैब्लिश इन डैश. ठीक है, जो सेंट्रल मराइन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कब एस्टैब्लिश हुआ था? केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान कब स्थापित किया गया था? 4 मार्च 1948, 3 फरवरी 1947, 5 अप्रैल 1949, 6 दिसंबर 1948 या 2 मार्च 1947? आंसर, सो द राइट आंसर, सेंट्रल मैराइन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन बी, 3 फरवरी 1947. द ICAR, सेंट्रल मैराइन रिसर्च फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 3 फरवरी 1947 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, एंड लेटर इट जॉइंड द ICAR फैमिली इन 1967. हु इज द प्रेजेंट डे डायरेक्टर ऑफ CMFRI? CMFRI के प्रेजेंट डायरेक्टर कौन है? डॉक्टर ए गोपाल कृष्णा, डॉक्टर एस स्वामीनारायण, डॉक्टर एल पांडे, डॉक्टर एस वी देव, डॉक्टर ए दुबे. बताओ आंसर क्या होगा? हु इज द प्रेजेंट डे डायरेक्टर ऑफ CMFRI, सेंट्रल मराइन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट? कम ऑन आंसर, द राइट आंसर हियर बता देता हूं मैं, आप लोग आंसर ही नहीं दे रहे हो 10 नंबर के बाद. ठीक है, द राइट आंसर इज यहां पर डॉक्टर ए गोपाल कृष्णन. ठीक है, सो ये है डॉक्टर ए गोपाल कृष्णन. ओके, जो कि अभी प्रेजेंट डायरेक्टर है. द फ्रेश वाटर कल्चर रिसोर्सेज इन द कंट्री कॉम्प्रोमाइजेस ऑफ डैश मिलियन हेक्टर. पूरे कंट्री में कितना फ्रेश वाटर कल्चर होता है, पॉन्ड्स और टैंक्स को मिला के कितना मिलियन हेक्टर होगा? 3, 3.59, 1.89, 2.36 या 4.79? क्या होगा यहां पर सही आंसर? द फ्रेश वाटर कल्चर रिसोर्सेस इन द कंट्री कॉम्प्रोमाइजेस ऑफ डैश मिलियन हेक्टर ऑफ पॉन्ड्स एंड टैंक्स. द राइट आंसर इज डी, दैट इज 2.36 मिलियन हेक्टर. प्रेजेंट में इंडिया हैज अराउंड 2.36 मिलियन हेक्टर ऑफ टैंक्स एंड पॉन्ड्स एरिया वेयर कल्चर बेस्ड फिशरी इज प्रीडोमिनेंट एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द मैक्सिमम शेयर इन टोटल फिश प्रोडक्शन. ओके, द मेजर स्पीसीज ऑफ फिश इन इंडिया आफ्टर कार्प इज डैश. ठीक है, कार्प के बाद मेजर फिश स्पीसीज इंडिया में क्या है? ओके, कैट फिश, कोई फिश, पंगासियस श्रिम्प या शार्क? इसको हिंदी में पंकास कहा जाता है, पंकास. आंसर, द मेजर स्पीसीज ऑफ फिश, फिश का मेजर स्पीसीज क्या है कार्प के बाद? सबसे ज्यादा कार्प होता है, उसके बाद क्या है? सी,
पंगासियस, ठीक है, पंगास, पंगास कहते हैं इसको, बेसिकली आपका एक बोनलेस टाइप का फिश होता है ये, देखो। पंगास इज अ जीनस ऑफ मीडियम लार्ज टू वेरी लार्ज शार्क कैट फिशेस नेटिव टू फ्रेश वाटर इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। ओके, नेक्स्ट, द रीजनल ऑफिसर्स ऑफ द NFDB नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड का रीजनल ऑफिस कहाँ है? भुवनेश्वर एंड गुवाहाटी, मैंगलोर एंड कोची, गोवा एंड काकीनाडा, कल्पकम एंड तिरुवनंतपुरम, या ऑल ऑफ द अबव? क्या होगा इसका आंसर? कम ऑन गाइस, द रीजनल ऑफिसर्स ऑफ द NFDB। सो अगर मैं रीजनल ऑफिस की बात करूं तो यहां पे ए भुवनेश्वर एंड गुवाहाटी इज द राइट आंसर। द नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 2006 एज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टू एनहांस द क्या चीज, फिश प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इन द कंट्री। ठीक है, ऑल नहीं होगा। ओके गाइज, IBPS AFO का बैच स्टार्ट हो गया है, तो अगर आप लोग एनरोल करना चाहते हो, दिस इज द कंप्लीट बैच, दिस इज द मेंस बैच। इसमें अभी आपका एग्रोनॉमी चल रहा है, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री चल रहा है, सितंबर के महीने में सॉयल साइंस स्टार्ट होगा, हॉर्टिकल्चर स्टार्ट होगा, ठीक है, हॉर्टिकल्चर आकाश सर पढ़ाएंगे, सॉयल एग्रोनॉमी मैं पढ़ा रहा हूँ, सॉयल साइंस भी मैं ही पढ़ाऊंगा, एनिमल हस्बेंड्री हीना मैम पढ़ा रही है, ठीक है, मीनाक्षी मैम का जो पोर्शन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने पर है। क्लियर, जो हो गए हैं उनका रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएगा और जो आने वाले हैं उनके क्लासेस आपको लाइव मिलेंगे, प्लस आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो जहां पर आपको PDFs वगैरह भी मिल जाएंगे। ठीक है, द वायरल हेमोरेजिक सेप्टिसीमा इज अ डेडली फिश डिजीज ऑफ डैश। अगेन फिश डिजीज वगैरह बहुत ही कम है, लेकिन एक आध क्वेश्चन जो थोड़े से कॉमन है वो थोड़ा सा पता होना चाहिए। द वायरल हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया इज अ डेडली फिश डिजीज ऑफ डैश। कौन से तरह के फिश के लिए ये एक फिश डिजीज है? ठीक है, नेक्स्ट, फ्रेश वाटर फिश, मैराइन फिश, बोथ ए एंड बी, मेजर फिश डिजीज ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मैराइन फिश या कैट फिश? आंसर क्या होगा गाइस? द वायरल हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया इज अ डेडली फिश डिजीज ऑफ डैश। द राइट आंसर इज यहां पर सी, बोथ ए एंड बी। ओके, वायरल हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया ऐसा हो जाता है, पूरे बॉडी पे अंदर से इंटरनल ब्लीडिंग होने लगता है, इज अ डेडली इन्फेक्शियस फिश डिजीज कॉज्ड बाय वायरल हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया वायरस। वायरस का नाम भी यही है। इट एफ्लिक्ट्स ओवर 50 स्पीशीज ऑफ कोल्ड फ्रेश वाटर एंड मराइन वाटर फिश इन सेवरल पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, ध्यान रखिएगा किसका है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का ये फिश है। ओके, देन इसिथोपाइथ्रियस, ठीक है, इसिथोपाइथ्रियस मल्टीफिलस इज अ डैश फिश डिजीज। ठीक है, किस तरह का फिश डिजीज है ये? ये वायरल है, पैरासाइटिक है, फंगस है, न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है, या नन ऑफ द एवर? ओके, आंसर कम ऑन गाइस, कीर्ति, विक्रम, प्रीति, प्रतिमा, सुमिति, आंसर दीजिए। गलत हुआ तो गलत हुआ, क्या हो गया भाई? गलत होगा तो सही चीज याद भी रहेगा, ठीक है, अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो क्या फायदा, और कौन सा यहां पर अटेम्प्ट करने से आपके नंबर कट रहे हैं? ओके, सो द राइट आंसर इज, आप लोग बोल रहे हो कि डी होगा, सो डी किसने बोला? प्रतिमा, प्रतिमा ही सेइंग कि डी होगा। इट इज अ पैरासाइटिक डिसऑर्डर या डिजीज, ठीक है, एक पैरासाइटिक डिजीज है, ये बेसिकली एक पैरासाइट है जो फिश के अंदर रहता है। ये देखो, लाइफ साइकिल ऑफ द इचितोपाइथीरियस मल्टीफिलिस। ओके, सो ये यहाँ पे पैरासाइट्स हैं जो देखो फिश का जो स्किन है ना उसके ऊपर फीड करते हैं, उसको खा जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, माइक्सोबोलस सेरिब्रैलिस, ठीक है, माइक्सोबोलस सेरिब्रैलिस, ये लास्ट के दो क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल है, बस थोड़ा सा देख लो, क्या पता थोड़े से कॉमन नेम के साथ आ सकते हैं। ठीक है, माइक्सोबोलस सेरिब्रैलिस कॉजेस विर्लिंग डिजीज इन डैश फिश। किस तरह के फिश में विर्लिंग डिजीज होता है? अब आप बोलोगे सर क्या इतना मुश्किल क्वेश्चन आएगा, कोई बात नहीं हम इसको हटा देते हैं। विर्लिंग डिजीज इज कॉज्ड इन डैश फिश, इतना इजी क्वेश्चन तो आ सकता है कि भाई मछली में कौन से मछली में विर्लिंग डिजीज देखने को मिलता है? कैटफिश, कार्प, श्रिम्प, सैल्मन एंड ट्राउट, या शार्क? आंसर Myxobolus cerebralis causes whirling disease in dash fish. B, salmon and trout. ठीक है,
ट्राउट आर स्पीसीज ऑफ फ्रेश वाटर फिश बिलोंगिंग टू द जेनरा ऑन्कोरिंकस सैल्मोन एंड सैल्वेलिनस ऑल ऑफ द सब फैमिली सैल्मोनिले. ठीक है, ऑफ द फैमिली सैल्मोनिडे. ओके, द फिश एग क्वालिटी इज ऑफन डिटरमाइंड बाय डैश. फिश के जो मछली के जो अंडे होते हैं छोटे छोटे येलो कलर के होते हैं. ठीक है, तो येलो व्हाइटिश कलर ऐसे होते हैं. ठीक है, सो ये जो अंडे होते हैं, जो फिश एग होते हैं, इनके क्वालिटी का कैसे पता चलता है? न्यूट्रिशनल कंडीशन ऑफ द मदर फिश, न्यूट्रिशनल कंडीशन ऑफ द फिश पॉन्ड, न्यूट्रिशनल कंडीशन ऑफ द एग इटसेल्फ, बोथ ए एंड सी या ऑल ऑफ द अबव. आंसर, क्वेश्चन इजी है. द फिश एग क्वालिटी इज ऑफन डिटरमाइंड बाय. सत्यम इज सेइंग डी. ओके, आंसर इज न्यूट्रिशनल कंडीशन ऑफ मदर फिश. ठीक है, डी मतलब बोथ ए एंड सी. भाई एग का न्यूट्रिशनल कंडीशन हम चेक करके करेंगे क्या? उसको हम कंट्रोल तो कर नहीं पाएंगे. हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर जो मदर फिश है उसको अगर आप अच्छा खाना दोगे तो अल्टीमेटली जो एग का कंडीशन है, न्यूट्रिशनल कंडीशन, वो भी अच्छा रहेगा. ओके, नेक्स्ट, एग क्वालिटी कैन बी डिफाइंड एज द एग एबिलिटी टू बी फर्टिलाइज एंड सब्सिक्वेंटली डेवलप इन टू अ नॉर्मल एम्ब्रियो. द एबिलिटी टू रिड्यूस लार्ज नंबर्स ऑफ हाई क्वालिटी एग्स ऑन डिमांड इज एन इंपॉर्टेंट इशू फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एक्वाकल्चर. तो एक्वाकल्चर में प्रॉब्लम क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा एग्स प्रोड्यूस करा रहे हैं जिसकी वजह से उनका जो एक्चुअल फर्टिलिटी है ना वो घट रहा है. ओके, मतलब एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं हो रहा है. डैश इज अ मेथड ऑफ स्पॉनिंग इन अ फिश हैचरी. इनमें से कौन सा मेथड है जिससे फिश को स्पॉन किया जाता है या फिर इनको रिप्रोड्यूस करने के लिए मल्टीप्लाई कराया जाता है एक हैचरी के अंदर, मतलब आर्टिफिशियल कंडीशन? मैनुअल स्ट्रिपिंग, एनवायरमेंटल मैनिपुलेशन, केमिकल इंजेक्शन, ऑल ऑफ द अबव या बोथ ए एंड बी? कम ऑन. नहीं प्रीति, फिश पॉन्ड नहीं होगा. क्यों? क्योंकि आप फिश पॉन्ड के हिसाब से न्यूट्रिशन मेंटेन नहीं करते हो, आप नंबर ऑफ फिशेस के हिसाब से न्यूट्रिशन को मेंटेन करते हो. गाइस देखो, दो पॉन्ड है, ये छोटा पॉन्ड है, ये बड़ा पॉन्ड है. ठीक है, आप बोलोगे सर अगर मैं फिश पॉन्ड के हिसाब से न्यूट्रिशन को मेंटेन करूंगा तो ऑब्वियसली इसमें ज्यादा न्यूट्रिशन होना चाहिए. लेकिन जो फिश की डेंसिटी है जिसको हम कहते हैं स्टॉकिंग डेंसिटी, ठीक है, मतलब कितने फिश एक पॉन्ड में है, अगर ये इसमें ज्यादा है इसमें कम है तो इसमें कम न्यूट्रिशन की जरूरत है, इसमें ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत है, वो एक डिफरेंट फैक्टर है. लेकिन एक का न्यूट्रिशन के लिए मदर फिश को फीड करना, उसका न्यूट्रिशन होना जरूरी है. ठीक है, गॉट इट गाइस? नेक्स्ट, सो यहां पर अगर आंसर देखोगे तो डी ऑल ऑफ द अबव होगा एकदम सही आंसर. ठीक है, सो फिशेस एंड स्पेशली बोनी फिश टिपिकली रिप्रोड्यूस बाय अ टर्म कॉल्ड स्पॉनिंग इन फिश. दिस इज एन एक्सटर्नल टेक्निक ऑफ रिप्रोड्यूसिंग वेयर द फीमेल लॉन्चेस लॉट्स ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग्स इनटू द वाटर. ठीक है, सो इसको हम क्या कहते हैं आपका, ये सारे सारे के सारे मेथड जो हैं आप यूज कर सकते हो, मैनुअल स्ट्रिपिंग, एनवायरमेंटल मैनिपुलेशन या फिर केमिकल इंजेक्शन. विच इज नॉट अ क्रस्टेशियन, इनमें से कौन सा एक क्रस्टेशियन नहीं है? श्रिम्प, प्रॉन्स, क्रिल, ऑल आर क्रस्टेशियन या फिर शार्क? ऑल मतलब इससे ऊपर, ए बी सी. आंसर क्या होगा? द राइट आंसर हियर इज डी. ओके, श्रिम्प, प्रॉन, क्रिल, तीनों के तीनों यहां पे क्रस्टेशियंस हैं. क्रस्टेशियंस हैं क्या वैसे? क्रस्टेशियंस आर अ वेरी डाइवर्स ग्रुप ऑफ इनवर्टिब्रेट एनिमल्स. ओके, व्हिच इंक्लूड्स एक्टिव एनिमल्स सच एज क्रैब्स, लॉबस्टर्स, श्रिम्प, क्रिल, कॉपीपॉड्स, एम्फीपॉड्स एंड मोर सेसाइल क्रिएचर्स लाइक बार्नकल्स. यहां पर सबके पिक्चर लगे हैं, आप देख सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट, बिचेस हैव डैश टाइप ऑफ गिल्स. ठीक है, बिचेस जो है, ओके, जो बिचेस हैं उनका किस तरह का गिल होता है? इंटरनल, एक्सटर्नल, मिडिल, बोथ ए एंड बी, मतलब उनका गिल बॉडी के बाहर अंदर होता है या बॉडी के मिडिल में कहीं होता है या फिर बोथ ए एंड बी, मतलब इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है. कोशिश करो, नहीं होगा तो नहीं होगा, पिक्चर दिखाऊंगा मैं. बिचेस हैव डैश, अगर बिचेस की बात करूं तो इनके एक्सटर्नल गिल्स होते हैं. क्या होते हैं एक्सटर्नल गिल्स? ये देखो, जनरली ये जो गिल है ना, ये, ठीक है, ये जो गिल है ये बॉडी के अंदर होता है. ठीक है, लेकिन यहां पे ये जो गिल है ना ये इसके बॉडी के बाहर है. ओके, सो दिस इज ये आपका गिल. जस्ट अ मिनट. अच्छा, विच इज अ क्रस्टेशियन, सॉरी, नॉट ए होगा तो साक्स लगा देना. ठीक है, कहाँ चला गया? यस,
क्लियर. सो बिचेस एंड रेड फिश कंप्राइज ऑफ पॉलिप्टेरिडे, अ फैमिली. और फैमिली वगैरह आपका वैसे आता नहीं है, थोड़ा सा ज्यादा डेप्थ में चला जाता है. अगर कोई फिशरी का स्टूडेंट है तब तो उसके लिए सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है. ठीक है. पॉलिप्टेरिडे अ फैमिली ऑफ आर्काइक रे फिंड फिशेस एंड द ओनली फैमिली इन द ऑर्डर पॉलिप्टेरिफॉर्मिस. ठीक है, बढ़िया सा दिख रहा है ना मछली. नेक्स्ट. विच इज अ नॉन पेयर्ड फिन, मतलब इनमें ना फिन पेयरिंग में नहीं आती है. ठीक है. पेल्विक पेक्टोरल एडिपोज बोथ ए एंड सी, मतलब ये सिर्फ सिंगल फिन होता है. इसमें कौन सा टाइप का फिन है जो एक सिंगल फिन होता है? पेल्विक पेक्टोरल एडिपोज बोथ ए एंड सी, ऑल ऑफ द अबव, ये सारे बॉडी में फिन के लोकेशन के हिसाब से नाम पड़े हैं. द राइट आंसर हियर इज सी, जो आपका एडिपोज, जो एडिपोज फिन होते हैं ना वो. ठीक है. देखो ये सैल्मन है, यहां पर एक छोटा सा फिन होता है. ठीक है. ये जो है ये जनरली काट, ये देखो यहां पर है. ठीक है. यहां पर इसका है, यहां पर काट के हटा दिया गया है, यहां पर है. ये जो फिन है ना, ये देखो ये एक सिंगल फिन है, इसमें कोई पेयरिंग नहीं है, इसके जैसा कोई दूसरा नहीं है यहां पे. इसको जनरली हटा दिया जाता है. ठीक है. एडिपोज फिन्स वर प्रपोज टू फंक्शन एज मैकेनोसेंसर्स डिटेक्टिंग फ्लूइड फ्लो एंटीरियर टू द कॉडल फिन. ठीक है. सो ये इसको जनरली हटा दिया जाता है. नेक्स्ट. विच इज अ टाइप ऑफ वेंट्रल सर्फेस फिन, इसमें से कौन सा फिन है जो एक वेंट्रल सर्फेस फिन है? डॉर्सल फिन, एडिपोज फिन, क्लोकल फिन, कॉडल फिन, या नन ऑफ द अबव? आंसर गाइस, विच इज अ टाइप ऑफ वेंट्रल सरफेस फिन. द राइट आंसर इज सी, क्लोकल फिन. क्या है? क्लोकल फिन. द एनल और क्लोअकल फिन इज लोकेटेड ऑन द वेंट्रल सर्फेस बिहाइंड द एनस और क्लोअका. दिस फिन इज यूज टू स्टेबिलाइज द फिश वाइल स्विमिंग. तो अगर आपको फंक्शन पूछे तो आपको क्या यूज करना है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है. विच फिन इज यूज टू स्टेबिलाइज द फिश वाइल स्विमिंग? ओके, तो ये है आपका एनल या क्लोअकल फिन, ये वाला. ठीक है. देखो मैं सारे फिन दिखा देता हूं. यहाँ पे जो मछली के सबसे स्टार्ट में यहाँ होता है ना, दिस इज द पेक्टोरल फिन. ये यहाँ पे नीचे की तरफ होता है, ये आपका पेल्विक फिन है. ऊपर की तरफ एक मुकुट जैसा होता है, दिस इज योर डॉर्सल फिन. दिस इज जस्ट लाइक अ क्राउन हियर. ठीक है. छोटा सा फिन होता है जो बहुत बार हटा दिया जाता है, दिखता भी नहीं है बहुत सारे मछली में, वो एडिपोज फिन है. ठीक है. और जो उसका टेल है ना, इसको हम कहते हैं कॉडल फिन. ठीक है. सारे फिन याद रहेंगे भाई, पिक्चर याद रखा करो, सारे के सारी चीजें याद रहेंगे. पिक्चर अगर याद नहीं रखोगे तो भाई कुछ याद नहीं रहेगा. ठीक है. पिक्चर अगर याद नहीं रखोगे तो कुछ भी याद नहीं रहेगा. अच्छे से देख लो यहां पे एक और बार. सबसे पहला फिन जो यहां पे आपके फिश में मिलेगा, दैट इज पेक्टोरल फिन. ठीक है. ओके, पी फॉर पेक्टोरल, पी फॉर पहला. आप बोलोगे सर पी फॉर पेल्विक भी तो हो सकता है, ये चीज आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा. पेल्विक का मतलब होता है नीचे वाला हिस्सा, पेल्विक एरिया कहते हैं ना हम. ठीक है. सो पेल्विक थोड़ा नीचे वाला हिस्सा है. सो पेल्विक से पी फॉर पेल्विक, थोड़ा सा नीचे वाला हिस्सा है ये यहां पर ये फिन है. ठीक है. क्लियर. ऊपर मुकुट जैसा होता है, क्राउन जैसा होता है, जिसको हम कहते हैं डॉर्सल फिन. क्या है तो कहते हैं हम डॉर्सल फिन. ओके. देन एडिपोज फिन जो कि रिमूव कर दिया जाता है जनरली. ठीक है. यहां पर एनल फिन इसे कहते हैं, जो कि स्विमिंग के टाइम पे स्टेबिलाइज करने में हेल्प करता है. और कॉडल फिन होता है जो डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करता है. क्या करता है? डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करता है. दिस इज योर कॉडल फिन. इवन स्पीड अप करने में भी हेल्प करता है. ठीक है. गॉट इट गाइज, इजी. चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो पिक्चर मैंने बड़ा किया था जब. 25. डैश इज नॉट अ फ्रेश वाटर फिश, इसमें से कौन सा फिश है जो एक फ्रेश वाटर फिश नहीं है, ताजे पानी का मछली नहीं है? टॉर्टोर, पॉलिश शैड, अमेरिकन बटर फिश, आइलिया कोयला, या फिर ऑल ऑफ द अबव? आंसर, फिशरीज ज्यादा मुश्किल नहीं है. बात यह है कि एग्रीकल्चर के स्टूडेंट फिशरीज पढ़ते नहीं है ना, तो तब जाके थोड़ा सा मुश्किल लगता है. ठीक है. अगर एक आध बार पढ़ लोगे तो फिर मुश्किल नहीं लगेगा. ओके. बहुत ज्यादा बॉटनी, हमें बहुत ज्यादा उसका मॉर्फोलॉजी वगैरह ये सब भी नहीं पढ़ना है. थोड़ा जितना बेसिक पढ़ सकोगे आप लोग उतना ही बेटर है. डैश इज नॉट अ फ्रेश वाटर फिश. द राइट आंसर इज यहां पर सी, अमेरिकन बटर फिश. अमेरिकन बटर फिश एक फ्रेश वाटर फिश नहीं है. द अमेरिकन बटर फिश, ऑल्सो नोन एज द अटलांटिक बटर फिश, इज अ बटर फिश ऑफ द फैमिली स्ट्रोमाटेइडे. इसका नाम बता रहा है कि ये अटलांटिक ओशन में पाया जाता है. ओके. क्लियर. सो दिस इज इट गाइज, ये था आपका आज का क्लास. अगर आप लोग जस्ट अ मिनट,
अगर आप लोग एफओ के कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो फिर आपको जाना है adda247.com पे और सर्च करना है IBPS AFO। जैसे ही आप IBPS AFO सर्च करते हो, यहाँ पर देखो एक IBPS AFO का आपको मेन कंप्लीट बैच मिलेगा, प्री प्लस मेंस, एक आपको सिर्फ मेंस का बैच मिलेगा। प्री प्लस मेंस के बैच में एनरोल करने के लिए बाय नाउ पे जाना है और कूपन कोड यूज करना है Y291 अप्लाई। जैसे ही अप्लाई करोगे 3679 एप्लीकेशन में 3500 के आसपास ये मिल जाएगा। गाइस ध्यान रखिएगा, ये एक फाउंडेशन बैच है जिसमें आपको ए टू जेड सब पढ़ाया जाएगा अच्छे से, ठीक है। देन यहाँ पर आपका सिर्फ मेंस बैच भी है, आप चाहो तो उसमें भी एनरोल कर सकते हो। ये रहा आपका मेंस बैच। मेंस बैच विल कॉस्ट यू समथिंग अराउंड 2100। जब मैं यहाँ पे Y291 का कोड यूज करता हूँ अप्लाई, तो यहाँ पे 2299 दिखा रहा है, 2199 का ये बैच होगा एप्लीकेशन में। साथ ही साथ अगर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड तैयारी कर रहे हो ना, तो यू कैन एनरोल इन एग्रीकल्चर महापैक। ये है क्या? ये एक सब्सक्रिप्शन की तरह है जो आपको 12 महीने, 6 महीने या 3 महीने के लिए अवेलेबल है। राइट नाउ जन्माष्टमी के उपलक्ष पर दिस 12+, अगर आप 12 मंथ्स की वैलिडिटी के लिए इसे परचेस करते हो तो आपको 24 मंथ्स के लिए मिलेगा, 6 मंथ्स के लिए करते हो तो 12 मंथ्स के लिए मिलेगा, 3 मंथ्स के लिए करते हो तो कुछ नहीं मिलेगा, दैट इज फॉर 3 मंथ्स। ओके, नेक्स्ट बाय नाउ पे जाएंगे। बाय नाउ के बाद यहाँ पे Y291 का कोड आपको यूज करना है, अप्लाई करना है, एंड हियर इट इज 7359 या फिर जनरली यहाँ पे 7030 रुपए का आपको एप्लीकेशन में ये मिलेगा। तो एनरोल जरूर कर दीजिएगा। सर स्कीम्स करवा दो, आपका समझ में आता है सही से? नेक्स्ट वीक आपका स्कीम्स भी होगा और इस हफ्ते आपका जून और जुलाई का करंट अफेयर्स हो गया एग्रीकल्चर का। अगले हफ्ते कोशिश करेंगे कि अगले 10 दिन में मई अप्रैल मई सॉरी मार्च अप्रैल मई, ठीक है, इन 3 महीने का करेंगे प्लस सारे के सारे स्कीम्स करेंगे, ठीक है। और तो जुड़े रहिए एग्रीकल्चर Adda247 के साथ। अभी थोड़ी देर में नाबार्ड से रिलेटेड एक, हाँ हाँ, आज करंट अफेयर्स की क्लास हुई है, आज पूरे जून की करंट अफेयर्स हुई है काजल, ठीक है, आज पूरे जून की हुई है, दो दिन पहले पूरे जुलाई की हुई थी, क्लियर। तो मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट सेशन में। अभी थोड़ी देर बाद 10:45 पे एक सेशन है रिगार्डिंग नाबार्ड का ARD। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन है कि नाबार्ड का ARD स्टैटिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर ARD का करंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, तो सेशन है, तो आइए फिर देखते हैं उस सेशन में क्या बात करते हैं। 5-10 मिनट का सेशन रहेगा, ज़्यादा लंबा नहीं होगा। सो गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। कोर्स में एनरोल करते वक्त Y291 कोड यूज करना बिल्कुल ना भूले, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू एग्रीकल्चर Adda247।